Hello everyone, welcome back to the channel of Broadway A2E Academy. This is Vimalpreet Kaur and today I am making video for you जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि IELTS speaking module का क्या marking criteria रहता है. Because बहुत सारे बच्चों को confusion रहती है कि किस basis पे उनको जो scores हैं, उनको जो band हैं, वो किस चीज़ के basis पे मिलते हैं. मतलब उनको अपनी speaking में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे उनके जो बैंड स्कोर्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं और वो अच्छे बैंड स्कोर्स अपने हिसाब से अपनी स्पीकिंग के अकॉर्डिंगली पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग जो कि है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. नाउ व्हाट इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी इज नॉट स्पीकिंग फास्ट. तेज बोलना फ्लुएंसी नहीं है. फ्लुएंसी है आराम से बोलना, स्लो बोलना, बट विद द राइट पॉजेज एट द राइट टाइम, जो कि नेचुरल साउंड करे, ऐसा ना लगे कि हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ फ्लुएंसी मेंटेन करने के चक्कर में. हम नेचुरल शो होने चाहिए जिस टाइम पे हम अपनी फ्लुएंसी मेंटेन कर रहे हैं. हमारे जो पॉजेज हैं वो सही टाइम पे आने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं, जब हम अपनी स्पीकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे हम बार बार उस चीज़ में अटकें, बार बार एक वर्ड बोलने के लिए अटकें जो कि नेचुरल नहीं शो होता. देन इसी के साथ कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस इज बीइंग ऑन द टॉपिक. जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है, अगर आप उसी टॉपिक के बारे में लॉजिकली बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, दैट इज कोहेरेंस. हमारी स्पीकिंग में, जब हम स्पीकिंग दे रहे हैं स्पीकिंग एग्जाम में, उस टाइम पे हमारा जो कोहेरेंस है वो होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चों से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अलग तरीके से स्टोरीज या अपने आंसर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. For example, if I have asked a student that tell me something about your favorite music, तो वो बोलने लग जाते हैं that I like this song. वो किसी भी गाने के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे that I like this singer and I like his this song. उस टाइम पे वो जो टॉपिक है वो म्यूजिक के बारे में था, ना कि सॉन्ग के बारे में. बहुत से लोगों को म्यूजिक और सॉन्ग में भी कन्फ्यूजन रहता है. तो जिस टाइम पे आप म्यूजिक से सॉन्ग पे शिफ्ट हो गए हैं, आपका जो स्पीकिंग का कोहेरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. तो ट्राई कीजिए कि जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है, जिस क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे, उसी क्वेश्चन पे रहें और उससे ऑफ ट्रैक ना जाएं. द नेक्स्ट थिंग इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. ग्रामेटिकल रेंज हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के मॉड्यूल में, क्योंकि हम अक्सर जब बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाते हैं स्पीकिंग में. अगर हम उन स्पीकिंग के जो हमारे आइडियाज़ हैं या फिर हमारी जो भी मिस्टेक्स हैं स्पीकिंग में, ग्रामेटिकल बेसिकली, अगर तो वो सही हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं हो सकते. बट अगर हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं कर रहे, देन टेंसेस गलत यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी ग्रामेटिकल जो रेंज है उसको कम करेगी और उसी की वजह से जो हमारे स्कोर्स हैं, जो हमारे बैंड हैं, वो कम हो सकते. देन इसी के साथ एक्यूरेसी क्या है? ग्रामेटिकल रेंज तो हमें यूज़ करनी ही करनी है. देन एक्यूरेसी ऑफ द टेंसेज. हमारी स्पीकिंग में बहुत सारे टेंसेज हैं जिसकी वजह से हमें बहुत कई बार गलतियों का शिकार होना पड़ता है. हम बहुत बार गलत टेंसेज यूज़ कर लेते हैं. हमें राइट टाइम पे राइट टेंस यूज़ करना है, एक्यूरेट टेंस यूज़ करना है और अपने जो आंसर्स हैं उसे प्रॉपर एक्यूरेट शो करना है. अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इन द पास्ट परफेक्ट, तो उसका आंसर भी हम उसी अकॉर्डिंगली देंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट परफेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन उसे हम पास्ट सिंपल या किसी और टेंस में कर दें. तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रामेटिकल रेंज है और जो एक्यूरेसी है वो उसको हम मेंटेन करके रखें. देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन. नाउ प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर स्पीकिंग, क्योंकि हमारा एक्सेंट अलग होने की वजह से हम कुछ वर्ड्स बहुत गलत बोल देते हैं. प्रोनाउंसिएशन हमारी कुछ वर्ड्स की सही नहीं होती है. हमारे चैनल पे एक वीडियो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जिसको देख के आप अपने प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स सही कर सकते हैं. तो ट्राई कीजिए कि आप उस वीडियो को देखिए और अपनी प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए. देन प्रोनाउंसिएशन में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इंटोनेशन आ जाता है इसमें, पिच आ जाता है. इंटोनेशन इज वर्ड को किस तरह से हमने स्ट्रेस देना है वर्ड पे. तो प्रोनाउंसिएशन ट्राई कीजिए कि आप नेचुरल प्रोनाउंसिएशन दीजिए. ऐसा नहीं है कि अगर फॉरनर्स की प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की अलग है तो आप उसी तरीके से उसको प्रोनाउंसिएट करें.
राइट प्रोनाउंसिएशन इज नेसेसरी, बट इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सेंट कोई और यूज करें. आप अपने ही एक्सेंट में रह के जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन सही बोल सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्सेज इज द लास्ट थिंग जो स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत मेन है. इस मॉड्यूल में इस जो टाइप है मार्किंग क्राइटेरिया का, इसमें आता है बेसिकली वोकैबुलरी. आपकी वोकैबुलरी की क्या रेंज है उसके बारे में है लेक्सिकल रिसोर्सेज. आप अपनी स्पीकिंग में कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं एंड आप कौन से idioms, idiomatic phrases आप कौन से यूज कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग में. ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी यूज करने की जहाँ पे बात आती है आप बहुत अलग तरीके से वर्ड्स यूज करें जो कि हम नेचुरली यूज नहीं करते हैं. अगर हम नेचुरल वोकैबुलरी यूज करेंगे जो हम अक्सर अपनी स्पीकिंग में, अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो वो हमारे स्कोर्स जो है उनको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. बट अगर कुछ वर्ड्स हम यूज नहीं करते, हमने उन वर्ड्स को सिर्फ क्रैम किया है, तो जब हम स्पीकिंग करने लगेंगे एग्जामिनर के सामने, सो देयर आर चांसेस कि हम उस वर्ड को बोलते टाइम या तो फंबल कर जाएंगे या हमसे वो वर्ड सही से प्रोनाउंसिएट नहीं होगा. तो ट्राई कीजिए कि जो भी आप वोकैबुलरी अपने स्पीकिंग के मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यूसली डेली प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम पे आपकी जो वोकैबुलरी की रेंज है, आपकी जो idioms की रेंज है वो मेंटेन रहे और वो नेचुरल साउंड करे. सो ये चारों चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने स्पीकिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हैं. अगर आप चाहते हैं मुझसे या हमारी टीम से किसी भी तरीके की हेल्प लेना, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं जो कि आपके लिए नॉलेजेबल है और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. थैंक यू.